दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पवन देव राज ने बिना किसी को बताए चोरी से अरुण कांजीलाल को छोड़कर अरुण कांजीलाल के बिना ही अकेले चले गए हैं। आखिर पवन देव राजन कहाँ चले गए हैं? आखिर पवन देव राज जिस जगह गए हुए हैं उस जगह के बारे में पवन देव राज ने किसी को क्यों नहीं बताया है? आखिर ऐसा कौन सा राज है? चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए पवन देव राज से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट और एक बहुत बड़ी खबर लेकर आ गए हैं, जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे और जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। दरअसल आपको बता दें कि ये बात 6 तारीख की है, जहां एक तरफ आपको बता दें कि 6 तारीख को अरुण कांजीलाल बिन बताए अपने घर अपने भाई की एंगेजमेंट के लिए चली गई हैं, वहीं पवनदीप राजन की बात करें तो आपको बता दें कि पवनदीप राजन भी बिना किसी को बताए ही गोवा चले गए थे। कहा जा रहा है कि पवनदीप राजन ने इस बात का पता इसलिए नहीं चलने दिया क्योंकि कहा जा रहा है कि पवनदीप राजन गोवा में जिस जगह परफॉर्म करने वाले थे वो एक हाई प्रोफाइल इवेंट था, इसलिए ये लोग नहीं चाहते थे कि किसी को इस बात का पता चला है कि पवनदीप राजन हमारे इस इवेंट में परफॉर्म करने के लिए आए हुए हैं। मतलब आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी ही बड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।